हेलो दोस्तों, वेलकम बैक. दोस्तों आज हम बात करेंगे 2010 में रिलीज हुआ एक कैनेडियन वॉर फिल्म इंसेंडीज के बारे में. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय डेनिस विलेनोव, एडॉप्टेड फ्रॉम वाज़दी मौआद प्ले ऑफ द सेम नेम. दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल लुबना अजबल एज नवाल, मेलिसा डेज़ोर्मोपोलिन एज जीन, मैक्सिम गुडेट एज सिमोन एंड रेमी जिरार्ड. IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10. रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 93%, मेटाक्रिटिक स्कोर है 80%. 130 मिनट्स का ये फिल्म मोस्टली अरबिक एंड फ्रेंच लैंग्वेज में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स. इस फिल्म ने 8 अवार्ड्स भी जीता था, साथ में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड हुआ था. ये कहानी है दोनों कैनेडियन भाई बहन जीन और सिमोन की, जो अपने माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मिडिल ईस्ट तक सफर करते हैं. और इन सफर में उन्हें पता चलता है उनके माँ के हिडन पास्ट के बारे में, उनकी लाइफ की कई सारे डार्क सीक्रेट्स और हार्श रियलिटीज के बारे में. दिस हार्ट रेंचिंग स्टोरी रिवील्स द ब्रुटैलिटी ऑफ सिविल वॉर इन लिबानन और काफी हेविली इन्फ्लुएंस्ड है लिबनी सिविल वॉर से. तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इस फिल्म को इतना खास बनाती है. नवाल के अचानक मृत्यु के बाद उनके दोनों बच्चे जीन और सिमोन को उनके अजीब से विल के बारे में पता चलता है उनके फ्रेंड और नोटरी जीन लेबल से. इस विल में नवाल ने अपने दोनों बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले उनको प्रॉपर तरीके से दफनाया ना जाए. अभी ये अंतिम इच्छा थी कि उनके खोया हुआ बेटा और पति को ढूंढ निकाला जाए और उनके दिए हुए दोनों चिट्ठी उनको दिया जाए. अभी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी जीन और सिमोन के लिए, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं था उनका कोई स्टेप ब्रदर भी है और फादर के बारे में उन्हें पता था वो इनके जन्म से पहले ही मर चुके हैं. अभी इन दोनों को ढूंढना इनके लिए एक काफ़ी बड़ा चुनौती था. वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं नवाल की नेटिव कंट्री की तरफ और कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ पर हम रूबरू होते हैं नवाल की लाइफ के काफ़ी सारी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से. हमें पता चलता है नवाल एक बहुत ही कंजर्वेटिव क्रिश्चियन अरब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो प्यार कर बैठी एक पैलेस्टाइन रिफ्यूजी से. इन दोनों ने जब भागने की कोशिश की तो नवाल के भाइयों ने ऑनर किलिंग के नाम पर नवाल के लवर को गोली मार दी और उसे भी ऑलमोस्ट शूट करने ही वाला था, लेकिन नवाल की दादी ने उसे बचा ली. बाद में उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है. अभी इस फैमिली में किसी को भी ये बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो आखिर एक माँ है, वो कैसे खुद के औलाद को ऐसे फेंक दे. नवाल की दादी ने तब एक कंडीशन दी, ये कंडीशन यही था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तुम प्रेग्नेंट हो और इस बच्चे का जन्म के बाद इसे ऑर्फनेज में दिया जाएगा. देखते देखते 9 महीना बीत गया और नवाल ने एक बेबी बॉय का जन्म दिया, लेकिन एज प्रोमिस्ड इस बच्चे की हील में एक टैटू करवाया गया और इसे डाल दिया गया एक ऑर्फनेज में. नवाल भी चली गई दारिश में फर्दर स्टडीज के लिए. लेकिन लेबनन में ये समय था सिविल वॉर का, समाज काफ़ी सेंसिटिव था और नवाल को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था अपने बच्चे का, और अल्टीमेटली वो खुद को रोक नहीं पाई उसी जगह जाने पर जहाँ पर ये ऑर्फनेज है. वहाँ पर जाने पर उसे पता चलता है ये ऑर्फनेज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है और वहाँ पर सिर्फ इस बिल्डिंग का मलबाई बचा है. वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, रोने लगती है कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया. लेकिन उसे ये पता चलता है यहाँ के सारे बच्चों को दूसरे कैंप में शिफ्ट किया गया है. वो एक बस बोर्ड करती है, लेकिन इस बस में उसके सिवा बाकी सारे लोग मुसलमान थे. इस बस में अटैक होता है क्रिश्चियन टेररिस्ट का और उसके सिवा सारे लोगों को मार डाला जाता है. वो सिर्फ क्रिश्चियन है, इसी वजह से उसे छोड़ दिया जाता है. लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की एक लोकल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन उसकी ब्रेन वॉश करती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं. यहाँ से शुरू होता है उसकी लाइफ के और एक चैप्टर. कुछ दिन बाद उसे प्लांट किया जाता है एक लोकल प्रोमिनेंट क्रिश्चियन लीडर के घर में उन्हें खून करने के लिए. इस खून के कारण नवाल को 15 साल की जेल भी होता है और वो नवाल से कैदी नंबर 72 बन जाती है. दोस्तों, इन सिविल वॉर्स के टाइम पर कैदियों पर कैसे टॉर्चर किया जाता था ये तो अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी नवाल की जीने की चाहत, उसके खोया हुआ बेटा को मिलने की चाहत बरकरार थी तब भी. इसी जेल का एक अपॉइंटेड टॉर्चरर आबू तारिक बार बार रिपीटेडली नवाल की रेप की, जिसके वजह से नवाल प्रेग्नेंट हो पड़ी. इसी जेल में वो दूसरी बार माँ बनी और बच्ची का जन्म दी, लेकिन इस बच्चे को यहाँ के एक नर्स ने अपने पनाह में ले ली. और नवाल के इस जेल से रिहा होने के बाद वो उस बच्चे को लेकर कनाडा चली आई और यहाँ पर एक नया जीवन शुरू की. दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, नवाल ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, इसीलिए शायद उसकी अंतिम इच्छा थी इन छूटे हुए कड़ियों को जोड़ना. उन्हें बहुत कुछ कहना था जीन से, सिमोन से, उनके खोया हुआ बेटा से और जीन और सिमोन के पापा से, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए. उन्होंने अपनी सारी अनकही बातों को चिट्ठी में बयां कर दी और अपने दोनों बच्चे जीन और सिमोन को ये रिक्वेस्ट की कि इन चिट्ठियों को सही सलामत
ठीक जगह पहुंचाने के लिए वो मृत्यु तक तरसती रही अपने बेटे से मिलने के लिए, लेकिन ये मौका उसे कभी नहीं मिला, या शायद मिला था, पता नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सीन बैक टू प्रेजेंट, हम देख पाते हैं जीन पहुंच चुकी है अपने माँ के नेटिव कंट्री में। यहाँ पर वो अपने माँ की एक्सटेंडेड फैमिली को भी ढूंढ पाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कोई भी नवाल के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते। सारे लोग काफ़ी गुस्सा है नवाल से, क्योंकि नवाल के उस रिफ्यूजी के साथ रिलेशनशिप के कारण नवाल की फैमिली का काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुआ था समाज में। लेकिन जिन भी हार नहीं मानती, वो चली जाती है दारिश में, उसी कॉलेज में जहाँ पर उसकी माँ कभी पढ़ती थी। वो अपनी पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये बात है 30-35 साल पहले की। फॉर्चुनेटली वहाँ पर उसे एक आदमी मिल जाता है जो नवाल की फ़ोटो को देख कर पहचान पाता है। यहाँ पर जिनको पता चलता है कैसे नवाल ने एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था, जिसके वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल में उसके ऊपर हुआ टॉर्चरों के बारे में और उसके नतीजे के बारे में भी जिनको पता चलता है। इसके बाद जिन जाके मिलती है उसी नर्स के साथ जिन्होंने नवाल के डिलीवरी के टाइम पर उसकी मदद की थी। ये नर्स जिन और सिमोन दोनों को कहते हैं, तुम्हारी माँ को एक बच्चा नहीं बल्कि दोनों बच्चे, ट्विंस हुआ था। इट वॉज कम्प्लीटली क्लियर कि वो दोनों बच्चे और कोई नहीं बल्कि जिन और सिमोन ही थे। खुद के जन्म के बारे में ऐसी डार्क सीक्रेट जानकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि ये तो पता चल गया उनको कि उनका जन्म एक टॉर्चर था उनके माँ के लिए, वो अनवांटेड चिल्ड्रन थे। लेकिन ये दोनों भाई बहन अपनी खोज जारी रखते हैं। उन्हें पता चलता है यहाँ के एक लोकल नोटरी से कि उनके हाफ ब्रदर के नाम था निहादफ में। सिमोन ग्रेजुअली उसी वॉरलॉर्ड को ट्रेस कर पाता है जिन्होंने उसे ऑर्फनेज के ऊपर अटैक किया था जहाँ पर निहादफ में रहता था। सिमोन जाता है और इसी वॉरलॉर्ड से मिलता है। मिलने पर उसे पता चलता है इन्होंने निहादफ मे को मारा नहीं था बल्कि उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। उसे ट्रेन भी किया गया था एज अ स्नीपर, लेकिन एक बार दरिश में एनिमी ग्रुप के कुछ बंदे ने उसे किडनैप कर लिया और उनके साइड में ले ली। वहां पर उसे ट्रेन किया गया एज अ प्रिजन टॉर्चरर और इवेंचुअली उसे भेजा गया उसी प्रिजन में जहां पर कभी नवाल रहती थी। असली राज तो तब खुलता है जब इस वॉरलॉर्ड ने रिवील किया कि प्रिजन टॉर्चरर बनने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया था और उसका नया नाम था अबू तारिक। हाँ दोस्तों, ये वही बंदा है जिसके टॉर्चर के वजह से नवाल दूसरी बार माँ बनी थी, मतलब उसकी खुद के बेटे ने ही उसे प्रेग्नेंट बनाया था और जिन और सिमोन का जन्म हुआ था। उन्हें ये पता चलता है ये निहादोफ में और अबू तारिक, जो भी कह लो, अभी कनाडा में रहते हैं। उन्होंने ये सब गलत काम करना छोड़ दिया है और अभी सही तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं और उनका नया नाम है निहाद हारमानी। उनके हफ ब्रदर ही उनके पिता है। ये बात जिन और सिमोन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा शॉकिंग था। यहाँ पर सिमोन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात पूछता है अपने बहन से। वो अपने बहन से पूछता है, डज 1+1 मेक 1? हाँ दोस्तों, इन दिस केस इट डज, क्योंकि ये दोनों भाई बहन ढूंढने निकले थे दोनों इंसानों को, लेकिन इवेंचुअली उन्हें पता चलता है ये दोनों इंसान एक ही है, अबू तारिक। कनाडा में वापस जाकर जिन और सिमोन उनके हाफ ब्रदर उर्फ उनके पिता अबू तारिक से मिलते हैं और उनके माँ के लिखी हुई दोनों चिट्ठियाँ उन्हें देते हैं। एक था उनके हाफ ब्रदर के लिए और एक था उनके पिता के लिए। और यहाँ पर नवाल की अचानक मृत्यु के कारण पता चलता है। सबको लगता था स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते समय हार्ट अटैक के कारण उसका मृत्यु हुआ था, लेकिन असली राज तो अभी खुलते हैं। एक बार जब जिन और नवाल ने एक कम्युनिटी स्विमिंग पूल में गई थी, वहां पर जाकर नवाल को पता चला कि वहां पर एक आदमी ऐसा है जिसके हिल में बिल्कुल वैसा ही टैटू है जो उनके बेटे के हिल में था। वो जल्दी से जाकर उस आदमी से मिलती है, लेकिन देखती है ये और कोई नहीं बल्कि अबू तारिक, मतलब वही टॉर्चरर जिसके वजह से वो दूसरी बार माँ बनी। अबू तारिक तो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन तभी उसी वक्त नवाल को सब कुछ समझ में आ गया था और इसी शॉक के कारण उसके वहां पर ही मृत्यु हो गई थी। अब जब नवाल की लास्ट विश पूरी हो चुकी है तो उसे प्रॉपर तरीके से दफनाया जाता है। उन चिट्ठियों को पढ़ने के बाद अबू तारिक को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और वो समझ जाते हैं उससे क्या गुनाह हुआ है और वो भी अपने माँ की फ्यूनरल में आते हैं। हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन शांति सिर्फ इसी बात की है कि मृत्यु के बाद ही सही माँ बेटे का मिलन तो हुआ। दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। अगर पसंद आया हो ना तो प्लीज एक लाइक दे देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।